पूछा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कई लोगों को गलत फहमियाँ हैं इस विषय को लेकर जो मैं आपके समक्ष खुलासा करना चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए, ये लोन जो भी मूल लोन था, प्रिंसिपल लोन था, ये 2005 से 12 के बीच दिया गया, और 5 से 12 के बीच लगातार इनको लोन बढ़ते गया, मिलते गया। और तब तो आप जानते हैं किस प्रकार की फ़ोन बैंकिंग चलती थी, कि दिल्ली में बैठे नेता, राजनेता, अधिकारी फ़ोन कर देते बैंक चेयरमैन को और उसके आधार पे ही लोन मिलता था। आप और हम कोई छोटा उद्योग लगाने जाएं, कुछ छोटा व्यापार करने जाएं, कुछ फैक्ट्री लगाने जाएं, हमें तो धक्के खाने पड़ते थे, जूते घिसने पड़ते थे। पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए आसानी से हजारों करोड़ के लोन फ़ोन पे उस समय की सरकार के माध्यम से ले लेते थे। 2012 तक उनको लोन मिलता रहा, और नवंबर 2013 में, आप तारीखों पर गौर करिए, नवंबर 2013 में ये लोन NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग। विशेषकर मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो करार हुआ है, इससे सीधा हमारे युवा युवतियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार जगत को ढेर सारे लाभ आने वाले दिनों में, वर्षों में मिलेंगे। भारत का निर्यात, जैसा कि आप में से कई मित्रों को ध्यान होगा, इस वर्ष 2021-22 में आज तक का सबसे अधिक निर्यात इस वर्ष होने जा रहा है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक वृद्धि हुई है भारत के निर्यात में, और जो सामान जाते हैं, गुड्स जो जाते हैं, वो 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़, और जो सेवाएं हम देते हैं, हमारे IT के क्षेत्र में सेवाएं देते हैं, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, अलग अलग क्षेत्र में जो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें लगभग 240 बिलियन यानी साधारणतः 18 से 20 लाख करोड़ रुपए। तो 50 लाख करोड़ तक का निर्यात भारत से कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ, इसके नज़दीक भी नहीं हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गत वर्षों में भारत के उद्योग और व्यापार जगत को एक तो तैयार किया, और साथ ही साथ विश्व में जो संबंध बनाए, और जिसके कारण आज भारत के लोगों पर और भारत के उद्योग पर विश्व में विश्वास बढ़ा है। और मैं मानता हूँ कि ये बढ़ता हुआ निर्यात हमारे देश को भी और गति देगा, प्रगति देगा, और हमारे आगे के भविष्य में हमारे युवा युवतियों को, नौजवानों को अलग अलग तरीके से स्वयं रोजगार के अवसर, नौकरी के अवसर बड़े रूप में प्रदान करेगा। अगर इस एग्रीमेंट को देखें तो इसकी कुछ विशेषताएं जो मैं आपके समक्ष अवश्य रखना चाहूँगा, क्योंकि वो सीधा MSME सेक्टर, छोटे उद्योग, हमारे व्यापारियों के साथ जुड़ी है। इस एग्रीमेंट के तहत जो आज हम भारत से UAE को निर्यात करते हैं, और इस वर्ष अंदाजन हमारा निर्यात 20 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का UAE को होगा, इसमें सीधा सीधा 2 लाख से 3 लाख और मुझे लगता है आगे चल के 5 लाख करोड़ तक का निर्यात बढ़ने का साधन ये कल का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या सीपा बनेगा। जिस विषय पे चर्चा करूंगा वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE और भारत के बीच जो कल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, सीपा। जैसा आप सबने देखा होगा, ये शायद विश्व में सबसे तेज गति से प्रारंभ से खत्म होने तक सिर्फ 88 दिनों में, 88 डेज के अंदर कई सारे विषयों को सम्मिलित करके एक बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उनके अगुवाई में, और UAE के सुल्तान
शेख अल नैलन के सहयोग से और जिस प्रकार से दोनों देशों के संबंध गत वर्षों में बहुत बड़े हैं, सुधरे हैं, 2017 में आप जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप घोषित हुई थी, 2019 में वहां के क्राउन प्रिंस ने $75 बिलियन यानी 5,00,000 करोड़ भारत की तरफ निवेश करने को अलग रखे थे कि हम 5,00,000 करोड़ भारत में निवेश करना चाहते हैं, और अब ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये सब दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में अपनी साख बनाई, जो पूरे विश्व में उन्होंने अपने संबंध बनाए अलग अलग बड़े बड़े नेताओं से, और जिस प्रकार से आज भारत के प्रति विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विश्वास बना है, भारत के उद्योग के प्रति, भारत के सेवा क्षेत्र के प्रति, भारत के लोगों के प्रति जो आज विश्वास बना है, ये उसी का प्रतीक है कि मात्र 3 महीने से के भीतर ये चर्चाएं शुरू हुई। उनके मंत्री 23 सितंबर को आए थे दिल्ली, हमने लॉन्च किया एफटीए नेगोशिएशन और 20 दिसंबर तक पूरी एग्रीमेंट को तैयार करने में हम सफल हो पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।